कपड़े में लिपटी नन्ही काया, जिसकी आंखें भी अभी ठीक से नहीं खुलती। ये नहीं जानती कि जिन आंखों को इसकी दीद का इंतजार था, वो अब हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। और दूसरी तरफ हैं एक पिता की आंखें, जिनमें बेटे का इंतजार था, लेकिन अब इन आंखों के आंसू थम नहीं रहे। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सोमवार की रात लद्दाख बॉर्डर पर हिंद चीन सेना की झड़प में शहीद होने वालों में साहिबगंज के एक जवान कुंदन ओझा भी शामिल थे। कुंदन 2011 बिहार रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती थे और पिछले 3 साल से लद्दाख में तैनात थे। उनकी शहादत की खबर सुनकर परिवार में मातम पसरा है। कुंदन शुरू से ही बहुत जुझारू और बहुत ही मतलब कि एक अलग सोच का लड़का था, जो जिसके मैंने मन में ये देश के लिए बहुत कुछ करने का मन पहले से बना के रखा था। और मौका मिला उसको 2011 में, जो देश के लिए बहाली हुई और वो लद्दाख बॉर्डर पर अभी प्रतिनियुक्त था, जिसको चीनी सेना ने कायराना हरकत करके सोमवार के रात में 2 बजे जो भारत और चीन के साथ झड़प हुआ, उसमें उसका मृत्यु हो गया, जो बहुत ही दुखद है। समाज का इतना होनहार लड़का था, लेकिन हम लोगों को देखिए, इस समाज को तो बहुत क्षति हुई है, इस परिवार को बहुत क्षति हुआ है, लेकिन हम लोग एगो सोचते हैं कि वो लड़का देश के लिए न्योछावर हुआ है। हमारे गाँव का, देश का इज्जत सम्मान आगे ही बढ़ेगा। फिर भी हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, ये जो आँख मिचौनी का खेल जो चाइना खेल रहा है, इस पर थोड़ा सा मैंने कड़ाई से उसका पालन हो कि और किसी हमारे जवान के साथ ऐसा घटना न हो। कुंदन इसी साल जनवरी में अपने गांव डिहारी आए थे। गांव में कुछ दिन रहने के बाद वो 2 फरवरी को वापस ड्यूटी पर लेह चले गए थे। लद्दाख में जहां उनकी तैनाती थी, वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता था, लेकिन 10 से 12 दिन के अंतराल पर कुंदन सेना के सैटेलाइट फ़ोन से अपने परिवार वालों से बात कर लिया करते थे। इस बार उनकी मां के मोबाइल पर एक ऐसी कॉल आई जिसने इस सिलसिले को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 3 बजे करीब एक फ़ोन आया है, जैसे DCM रैंक के कोई अधिकारी थे, उन्होंने सूचना दिया माँ के मोबाइल पर जी कुंदन ओझा नहीं रहे, बॉर्डर पर शहीद हो गए। पूरा परिवार में मातम छाया हुआ है और इसके बाद कोई सूचना नहीं मिली है। DCM अधिकारी रैंक थे, उन्हीं के द्वारा बातचीत हमसे भी हुई उनकी, तो बोले कि हम लोग अभी लद्दाख से फ्लाइट का व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत ही दुख के साथ ये सूचना देना पड़ रहा है हमारे ही मुँह से, इसलिए दुख है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही कुंदन की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी होने की खबर सुनकर वो काफी खुश थे और बॉर्डर पर हालात सामान्य होते ही घर आने की बात कही थी। परिवार वालों का कहना है कि बेटी के जन्म के दिन कुंदन से आखिरी बार बात हुई थी। आज से 17 दिन पहले उसकी एक छोटी पुत्री का जन्म हुआ है, जो कि वो घर आने के लिए अगले महीना 10 तारीख को बोला था कि हम घर आएंगे, लेकिन संजोग बस वो अपने बच्ची का मुंह भी नहीं देख सका और देश के लिए शहीद हो गया। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, लोगों को, देश के सपूत को लड़ाई के मैदान में अपना दम लगा करके अपना ठीक किया, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। परिवार को भी जवान के पार्थिव शरीर का इंतजार है, ताकि अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी बार देख सकें और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। पूरा गांव इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। गांव वाले चाहते हैं कि भारतीय सेना चीन के इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे। साहिबगंज से दिनेश रजक की रिपोर्ट।